नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद महामाया स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा गाजियाबाद लोकसभा के अंतर्गत किया गया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल के साथ साथ खो खो जैसे खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें मुख्य अतिथि किरण रिजिजू विधि एवं न्याय मंत्री के साथ साथ गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह ने भी शिरकत किया। मंत्री जी ने कहा कि गाजियाबाद में आज सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे की तरफ अग्रसर होंगे और हम सबको सभी के बच्चों के आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ब्यूरो चीफ शिवा गुप्ता की रिपोर्ट। आए हैं उनको उनको हम आगे और किस तरह से सुविधा दे सकते हैं, कैसे हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, बच्चों को खेलने का सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं, मौका देंगे, ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए बच्चों के लिए कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे अच्छा लगता है और ये गाजियाबाद के लिए एक नई पहल भी है और इससे यहाँ खेल का एक नई संस्कृति, नई माहौल का शुभारंभ हुआ है। सर्वप्रथम तो सांसद खेल प्रतियोगिता जो कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब जगह की गई है और इसके लिए आज गाजियाबाद का सौभाग्य है कि हम पूर्व खेल और युवा मंत्री और अब विधि और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को अपने साथ लाए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को का उत्साहवर्धन हो। और जिस तरीके से आयोजन हो रहा है अभी इसको थोड़ा सा और बदल कर, इसका थोड़ा रूप और स्वरूप बदल कर इसको पूरे साल आगे हम चलाएंगे ताकि लोगों को समय मिले तैयारी करने का, लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, ट्रेनिंग करने का मौका मिले और उससे अच्छे लोग निकल कर आएँ जिनको हम आगे ले जा सकें। हमारे लिए आज का दिन बहुत विशेष है कि इसके अंदर 96 टीमों ने हिस्सा लिया है जो कि ब्लॉक लेवल से निकल कर आए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।